ओह भाई, ये रही रावण की हवेली। गाइस, हाइक करते करते आ गया हूँ मैं सबसे टॉप पे। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है रावण का घर। गाइस, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सच बता दूं, मैंने स्कूल में रामायण पढ़ा है। और सच बताओ ना गाइस, तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर आकर ले रहा हूँ ना, तो वो जो मैंने पढ़ा था ना, वो सारी चीजें फ्रेश हो गई मेरे माइंड पे। मतलब ओ भाई, लायन पॉ में तीन ही उंगली है इसके। ओ भाई, वो देखो, लाइव झरना बह रहा है ऊपर से। तो गाइज, यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। यहाँ से व्यू देखो गाइज, यहाँ पे ओह माय गॉड, काफी ऊंचा है गाइज ये। और पता नहीं यार कितना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन व्यूज गाइज काफी मस्त आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जाना तो मना है गाइज, लेकिन फट से मैं दौड़ कर आ गया हूँ यहाँ शॉट लेने के लिए। तो दिखा दूँ, यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है, वाह। गाइस प्लीज़, मेरे मेहनत को ज़ाया होने मत देना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइस, और कमेंट में बता देना आपको वीडियो कैसा लगा है। बारिश स्टार्ट हो गई है, वापस से अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं ऊपर जाने के लिए। काफ़ी नेक्स्ट लेवल बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। टिंगू हटिया थोड़ा सा बाबू, ओके ऊपर जा रहा हूँ। व्यूज काफी अमेजिंग होते जा रही है, और हालत भी वैसा खराब होते जा रहा है। ओह भाई, ये रही रावण की हवेली, या रावण का मेंशन कह दो गाइस। तो ये है एंट्रेंस रावण का मेंशन का। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं लायंस पॉ, यानी कि शेर का पंजा। तो ये जो है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रावण के लंका, मतलब रावण का घर में एंटर करने के लिए। तो ये जो स्पॉट देख रहे हो आप, लाइक ये जो है आप यहाँ से देख रहे हैं ना गाइज, ये है रावण के घर जाने के लिए एंट्री। और यहाँ मस्त सीढ़ी चढ़ते हुए, अगर आपके अंदर हिम्मत है और पावर है और ताकत है, तो मस्त सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर चले आना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है लायंस पॉ, यानी कि शेर का पंजा। तो जैसा दिखता है, ये जो है ये काफ़ी हेरिडेटरी, यानी कि उस टाइम का, ये अभी नहीं बनाया गया है। पहले मैंने कुछ ब्लॉग में देखा था जिस पर लोग बोले थे यार कि अभी आर्टिफिशियली बनाया हो सकता है, लेकिन ये बहुत पहले यानी उस टाइम का ही बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। अभी यार, अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, लाइक यहाँ से अभी कितने ना जाने कितने सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी अब। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। या पूरा यहाँ से पानी बहकर नीचे आ रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो है काफ़ी स्लिपरी है, तो मैं बहुत आराम आराम से स्टेप लेना प्रेफर करूँगा, कि भाई स्लिप किया ना भाई जबरदस्त गिरने वाला हूँ। ओहो, क्या बात है। तो बारिश जो है वो हल्की हो गई है यहाँ से, और आप यहाँ का नज़ारा देखें, बारिश हो रही थी, सब पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं, मस्त सा व्यू आ रहा है गाइस यहाँ पर। और ये वो क्या है गाइस, रावण का मुक्का है क्या? पत्थर है तो मुक्का जैसा लग रहा है। सीढ़ी मैंने एक साल में नहीं चढ़ी होगी, उतनी सीढ़ी मैं यहाँ पर चढ़ रहा हूँ। मतलब कि चढ़ना इतना मुश्किल है, क्या ही बताऊँ यार, कि खा पी के मस्त आना चाहिए था मुझे, मैंने नाश्ता भी नहीं किया है कवर करने के चक्कर में। और काफ़ी ज़्यादा, मतलब 600-700 सीढ़ियाँ तो मैंने चढ़ ली होगी अब तक होगी। तो भाई, और पता नहीं कितना स्टेप और चढ़ना है।
गाइस हाइक करते करते आ गया हूँ मैं सबसे टॉप पे। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है रावण का घर। और मैं बता दूं गाइस कि काफ़ी देरी से बारिश हो रही थी यहाँ पे, इतना ज़बरदस्त बारिश हो रहा था ना गाइस कि मैं पूरा भीग गया हूँ। मैंने अपने एड्रेस भी चेंज कर लिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ लाइक कि ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा सोना का हुआ करता था एक टाइम पे। तो जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध के टाइम पे हनुमान ने जो है वो पूरा एरिया को मतलब पूरा लंका को उन्होंने जला डाला। तो इतना ज़बरदस्त सा मतलब यहाँ पे व्यू हो रहा है ना गाइस। तो बारिश के बाद ना ये पूरा एकदम साफ क्लियर दिख रहा है आपको। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसा दिख रहा है। आपने इससे पहले भी लाइक एक दो या तीन वीडियोस ऐसे देखे होंगे जिसमें रावण का लंका को दिखाया गया, बट ऐसा टाइप का मैं इतने डिटेल में दिखा रहा हूँ, हर एक छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा जो व्लॉग है वो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 गाइस सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो। आई वॉन्ट कि मुझे कम से कम एक लाइक तो बनता है यार मेरे लिए, क्योंकि मैं इतना एफर्ट डालूँ। नीचे काफ़ी बड़ी सीढ़ी थी, मतलब कि आप समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 सीढ़ियाँ होंगी जो मैं चढ़कर ऊपर आया हूँ। तो काफ़ी जो है ना वो रिस्की सीढ़ी थी, क्योंकि वो जो माउंटेन में है ना वो आर्टिफिशियल सीढ़ी बनाई गई थी। आई डोंट नो इसका यहाँ पर जो कल्चर है इसकी जो ओरिजिनल सीढ़ीज़ है वो शायद माउंटेन के नीचे से होते हुए जाती है, क्योंकि मैं जो सीढ़ी पे चढ़कर आ रहा था वो सीढ़ी आर्टिफिशियल थी, यानी कि ह्यूमन मतलब हम लोग के जनरेशन में बनाया हुआ वो सीढ़ी था। तो आई डोंट नो मतलब केव जो है केव के नीचे अंदर भी रास्ता है, और जो ऊपर में आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये सारे पूल्स हैं। तो आप सोचो गाइस कि वो जब जंग छिड़ी थी, जंग के वक्त जब हनुमान जी यहाँ पर आए थे, यहाँ पर आने के बाद सीता जी के लिए जो युद्ध हुआ था यहाँ पर, तो हनुमान जी ने लाइक पूरा जगह को जला डाला, इतना ज़बरदस्त तरीके से जला डाला कि कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ये जगह पूरा सोने का हुआ करता था और अभी कुछ भी नहीं बचा है देखने लायक। तो ये सब कुछ बेस के जो था, ये सब जो कुछ बेस के जो ढांचे वगैरह बचे रहते हैं बस सिर्फ यही बचा है यहाँ पर। तो ये आई डोंट नो वाई काफ़ी छोटी है, मेरा पूरा लेग नहीं आ रहा है इस पर, आप देख सकते हो। तो ये जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, तो मैं ना ऐसे आड़ा होकर उतर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो लाइक कि ये जो एरिया है ये मोस्टली सारे जो ऊपर में जो छोटे छोटे आप जगह देख रहे हो वो सारा जो जगह देख रहे हो बागीचा ये एक बागीचा है, ये है रावण का स्विमिंग पूल। तो रावण के बाद भी एक डायनेस्टी आई थी जो इसे रूल किए यहाँ पर। तो कुछ ऐसा है कि ये जो स्टेयर्स है ना वो काफ़ी छोटा है, आई डोंट नो मे बी ये जो स्टेयर्स वगैरह है ना वो घिस गई है या पता नहीं, स्टेयर इतना छोटा ही है। तो आप ये जो देख रहे हो ना ये है रावण का स्विमिंग पूल, यहीं पे मस्त रावण चिलमिल मारता था, स्विमिंग पूल में एंजॉय करता था। तो ये कुछ ऐसा बनाया गया गाइस कि वो साइड से सीढ़ियाँ है वो साइड से आपका। तो मैं नीचे जा रहा हूँ, देखते हैं पैर वैर धोते हैं यार, देखते हैं यार कि रावण कौन से पानी से नहाता था, हम भी वो पानी से थोड़ा सा अपना पैर वैर धो लें। ओ भाई तो वहाँ से उतर के मैं आ गया और आपको दिखाता हूँ ये है स्विमिंग पूल। कुछ ऐसा यहाँ पर स्विमिंग पूल का दिया हुआ था लेकिन किसी ने उखाड़ दिया यहाँ पर, कोई नहीं, इट्स नॉट दैट फेमस येट ब्रो, आई जस्ट स्टार्टेड, मे बी लेटर इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसे। सो भाई ये देखो ये लोग पता नहीं मछली पकड़ रहे हैं या फिर, आप देख रहे हो गाइस छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर, यू विल कैच, और ये लोग जो यहाँ पर मछली पकड़ रहे हैं गाइस हाथों से। हाँ नो आई डोंट नो तमिल ब्रदर। तो भाई ये टेक्निक देखो गाइस इनका, ये हाथों से मछली पकड़ रहे हैं। सो ब्रदर डू यू थिंक लाइक ये जो है डू यू थिंक इट्स रावण्स स्विमिंग पूल? नो दिस नॉट रावण्स, दिस किंग काश्यपस। किंग काश्यप, दिस इज फोर्ट्रेस। ओके रावण्स तो देखो गाइज ये इन्होंने हाथों से मछली पकड़ लिया है, इनके हाथ पे चार मछलियां हैं। व्हाट डू यू से लाइक किंग किंग काश्यप 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 ही इज द वन बिल्ड दिस फोर्ट्रेस। ओके
तो लाइक यहाँ पर जो नॉर्मल लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि गाइस कि ये कोई किंग कश्यप का डायनेस्टी हुआ करता था, क्योंकि अभी मैंने इनसे पूछा तो ये बोल रहे हैं कि ये जो बनाया गया है, ये किंग कश्यप जिनके बारे में बता रहे हैं, तो इनके द्वारा बनाया गया है। तो भैया जो है यहाँ पर रावण को बिलीव नहीं कर। ब्रो, डू यू बिलीव इन रावण? इट्स अ मिथोलॉजी, दैट्स नॉट प्रूवन दैट इवन ही एक्जिस्ट। ओके, बट आई टेंड टू डू सम स्टफ, यू नो। ओके, तो ये जो भैया है ये नहीं मान रहे हैं रावण को, यहाँ पर बोल रहे हैं कि माइथोलॉजी ऐसे फेक। तो स्विमिंग पूल मैंने आपको दिखा दिया है, अब मैं जाऊँगा टॉप से आपको व्यू दिखाने के लिए। और ये देख रहे हो ना गाइज, ये आई डोंट नो, ये अलग टाइप की सीढ़ी है ना क्या? आई डोंट नो, ये अलग टाइप की सीढ़ी है या फिर हो सकता है ये फाउंटेन हो, क्योंकि वो जो आप छेद देख रहे हो ना वहाँ पर, वहाँ से हो सकता है कि पानी बहकर ये जो है ये स्लैब के सहारे यहाँ पर मे बी फाउंटेन की तरह कलेक्ट होती होगी। वहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम चीज़ फाउंटेन की तरह बनाया गया है। तो अभी चलते हैं मस्त ऊपर जाके देखते हैं। वो मस्त फॉरेनर वहाँ से देख रही है मुझे और हंस भी गया, पता नहीं फोटो खिंचवा रही है क्या कर रही है। तो चलते हैं। तो क्या बात है गाइस, व्यू देखो यहाँ से। खैर अभी तो मैं बहुत नीचे हूँ, मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। वो जो आप देख रहे हो ना, वो सबसे पुराना ज़माना, मतलब उस टाइम का एक छोटा मोटा हट हुआ करता था। ये काफ़ी पुराना है, ये अभी का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है। तो ये वो ट्रेंड के हिसाब से चलता आ रहा है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूल के बाद यहाँ पर आपका पूजा करने के लिए, ये जो होता ना पूजा करने के लिए, वो एक स्टॉप बनाया गया यहाँ पर। और शायद सूरज जो है वो यहाँ से निकलता है और उस तरफ डूबता है, तो सूरज जो है वो यहाँ से निकलता है। तो एक पूजा घर के लिए यहाँ पर, नहाने के बाद पूजा वूजा करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर जगह बनाया गया। तो वापस से चलते हैं ऊपर। मंकी, हाउ आर यू ब्रदर? हनुमान के वानर सेना ये यहाँ पर। गाइस, ये जो आप गेट देख रहे हो, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री लिया था, वो मेन एंट्रेंस है, वहाँ से एंट्री लिया था। वहाँ पे आप जो दो छोटे छोटे लेक देख रहे हो, ये एल शेप का लेक था वहाँ पर। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, नहीं यहाँ से नहीं दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, वहाँ से एल शेप का दो ठो लेक था, और उसके साइड पे जो आप देख रहे हो वहाँ गोल गोल दो ठो पाउंड था। तो ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये है, ये था रावण का, ये जो आप मेरे यहाँ पर देख रहे हैं, ये था रावण का मैंशन, रावण का महल, या रावण का घर कह लो, जो कभी सोने का हुआ करता था, अब खंडर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो कुछ भी से मतलब कुछ भी नहीं है। और ये जो आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पर पूरे खंडर ही बचे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हुआ। और ये आई डोंट नो, पता नहीं ये एंशिएंट पत्थर यहाँ पर क्यों रखे गए, पता नहीं क्या है ये, बट ये जो है यहाँ पर कुछ ऐसा व्यू है, आपको दिखाना चाहूँगा। गाइस, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं सच बता दूँ, मैंने स्कूल में रामायण पढ़ा है। और सच बताओ ना गाइस, तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर आकर ले रहा हूँ ना, तो वो जो मैंने पढ़ा था ना, वो सारी चीज़ें फ्रेश हो गई मेरे माइंड पे, मतलब के पूरा क्लैरिटी नज़र आ रहा है। मतलब मैं बीइंग अ मुस्लिम पर्सन, मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मेरे मुस्लिम भाई और मेरे हिंदू भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हो गाइस, मज़ा आ गया भाई आकर। तो मैं आपको यहाँ पे लाइक पूरा हर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ताकि आप जो है वो मेरे आँखों से देख सके सारी चीज़ों को। तो कुछ ऐसा ज़बरदस्त सा व्यू आ रहा है, और मैं अभी हूँ टॉप पे। लगता है रावण बुरा मान गया, मैंने काफ़ी लाइक उसकी थोड़ी थोड़ी बुराई कर दी यहाँ पर, मुझे एक रावण जो है वो बुरा मान गया। तो काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है गाइस। हुआ ये कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ ना, बारिश होए जा रही है। तो स्विमिंग पूल के बाद ये जो आप देख रहे हो ना गाइस, ये मस्त
मतलब शाम के टाइम पे बैठ कर धूप बैठ के सनसेट देखने के लिए। ये रावण का बहुत अच्छा सा स्पॉट था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मस्त चिल करते हुए आप देखो, यहाँ से काफ़ी ऊंचा है और ऐसा है कि यहाँ पर क्या होता था, मस्त सनसेट देखने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। मतलब सब वापस से धुंधला धुंधला हो गया गाइज, आप देखो जो व्यू था वो वापस से धुंधला धुंधला हो गया, इतनी ऊंचाई से जब बारिश होती है ना तो वो सब ब्लर हो जाता है। आप देखो गाइज, ये जो आप देख रहे हो ना गाइज, ये है केव और ज़बरदस्त सा केव है। ये जो है इस माउंटेन का लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं, मतलब आखिरी छोर। और ये जो है यहाँ पर सिर्फ दो दो केव दिए गए। तो गाइज घूमते घूमते वो था वो आखिरी छोर से मैं आ गया हूँ लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट कहो तो यानी इस लंका वाले जो पहाड़ है उसके पीछे वाला लास्ट पॉइंट पे आ गया हूँ गाइज। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये है यहाँ का लास्ट पॉइंट और ये जहाँ पर मैं रुका हूँ ये कुछ केव टाइप का बना हुआ है गाइज। और यहाँ पर लोकल लोगों ने अपनी कारीगरी करते हुए छाप यहाँ पर छोड़ दिया। और वहाँ पे देखो गाइज, वहाँ पे कुछ कैनेडियन लोग हैं जिनसे मैं मिला था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये दो केव है यहाँ पर, एक ये केव जिसमें मैंने अपना बैग रखा है और ये जो आप केव देख रहे हो ना ये है दूसरा केव। तो जगह जगह पे क्या है ना गाइज, ये जो आप ये देख रहे हो ये फाउंटेन्स के लिए, लाइक कि जो वाटर जो है ऊपर से जो ड्रिप होते हुए नीचे आ रहा है तो वो है वो कलेक्ट हो गया। आई डोंट नो ये कुछ इतना अच्छा मैकेनिज्म से ये बिल्ड किया गया है कि ये जितना भी पानी जो है ऊपर से फ्लो होगा ना, वो नीचे जो आपने पॉन्ड वगैरह देखा था वो सब उसमें जाके कोई पॉन्ड में या फिर कोई वहाँ पे एल शेप बना हुआ पॉन्ड में या कोई सामने वाला डिस्प्ले पॉन्ड में या कोई गार्डन पॉन्ड में, तो ये जो पानी है ना वो अंडरग्राउंड से मतलब कैसे न कैसे करके ये जो है वो जाकर पानी वहाँ पर जमा हो रही है। अगला फॉरेनर आ रहा है, बात करते हैं उससे। Hey, Takla foreigner, how are you? Good. You? I'm fine, great. Where are you from, brother? Germany. I'm from India. Oh, welcome nice to meet you. Namaste. Namaste. जबरदस्ती झरना वाली पानी, नहाना है तो भाई आ जाओ, काफी जोर से गिर रहा है गाइस। हाँ, कुदरत के नजारे पे ये बंदर वानर सेना। ओके So, मेरे सामने है कुदरत के नज़ारे, आप देखो और कुछ एग्जिट पॉइंट और जाते जाते कुछ ग्लिम्स आपको दिखाता हुआ चलता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे। ये जो वॉल आप देख रहे हैं गाइज, ये है मिरर वॉल, यानी कि जो पत्थर जो है वो पानी और हवा काट कर जो टेक्सचर बनाता है ना, ये पूरा वैसा ही है, तो ये मिरर वॉल कहते हैं इसको। वो सेम आर्किटेक्चर से बनाया गया है, आप देख सकते हैं वो चट्टान के ऊपर में जो है पानी हार्वेस्ट करने के लिए क्या मस्त सा डॉट 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 करके टेक्सचर बनाया हुआ है। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑडियंस हॉल, यानी कि वहाँ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वो थ्रोन है जो आप देख रहे हैं, मतलब कि रावण जो है वहाँ पर बैठा करता था। तो ये है ऑडियंस हॉल, ऑडियंस हॉल कह लो, यहाँ पर इस तख्त पर बैठता था रावण। और ये जो है ये यहाँ पर डांस वांस वगैरह सिंगिंग ये सारी चीज़ें वगैरह होती थी। तो ये कुछ ऐसा थ्रोन है यहाँ पर। ये है असाना केव, ये आप कह सकते हैं ये एरिया जो आप कह सकते हैं ये भी एक बैठक खाना का तरह लग रहा है। तो यहाँ पर हो सकते हो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता था, लाइक यहाँ पर कोई सिक्योरिटी पर्सन बैठता था जो लोगों को आने जाने के लिए रोकता पूछता था। तो ये उसका छोटा सा तख्त है और ये है एंट्रेंस लगता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा केव है, जलने वाली स्मेल आ रही है यहाँ से, देख रहे हो गाइस यहाँ पे पूरा जला हुआ जो पोर्शन है ये वो जला हुआ पोर्शन पूरा दिख रहा है यहाँ से। नहीं भी केव का निचला हिस्सा है ये और गाइज जलने वाली बहुत स्मेल आ रही है यहाँ से, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो गाइज ये जो आप केव देख रहे हो ना, ये यहाँ से एंट्री थी हमारी लंका जाने के लिए, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ये वाली एग्जिट कर दी गई है। तो यहाँ से मैंने आज एंट्री नहीं लिया, यहाँ से मैं अभी एग्जिट ले रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा यहाँ पर दिखता है गाइज, तो इसको कहते हैं बोल्डर्स आर्क, तो बोल्डर्स आर्क इसको कहते हैं। भाई ये क्या है,
तो ये जो आप देख रहे हैं ना गाइस, ये है कोबरा हुड केव, यानी इसका मुंह जो है वो कोबरा की तरह बना हुआ है। और ये जो है ये लंका के जो पिछले वाले हिस्सा है